आज मैं आपसे एक बहुत ही पावरफुल स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं जो आपके अंदर एक होप या उम्मीद जगा देगा और आपको मेंटली कई गुना ज्यादा स्ट्रांग बना देगा। यह कहानी एक एक्सपेरिमेंट के बारे में है जिसका नाम है द होप एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट चूहों के ऊपर किया गया था। इस तरह के किसी प्रयोग को मैं सपोर्ट नहीं करता, पर इससे हम लोग एक ग्रेट लेसन सीख सकते हैं जो है होप या उम्मीद का, विश्वास का, माइंड पावर का और हमारे अनलिमिटेड कैपेबिलिटीज का। आप अपने जीवन में स्ट्रगल करके आगे बढ़ते हैं या हार मान लेते हैं, ये आपकी सोच, मन या माइंड और भरोसा या बिलीव्स के ऊपर डिपेंड करता है। आपका हौसला, विश्वास और मन की शक्ति आपको जीवन की इतनी ऊंचाइयों पर ले जा सकता है और इतनी सारी चीजें दिला सकता है जिसके बारे में आप अभी सोच भी नहीं सकते हैं। जब आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं तो जो चीजें अभी आपके लिए इम्पॉसिबल लग रही है आप उन चीजों को भी प्राप्त कर सकते हैं। जब आपका अपने ऊपर फेथ होता है और आप कड़ी मेहनत के लिए तैयार रहते हैं तो आपके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। तो आइए उस विश्व प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हैं जो चूहों पे किया गया था और जिसका नाम है द होप एक्सपेरिमेंट। सन 1950 में हार्वर्ड के एक प्रयोगशाला में डॉक्टर कर्ट रिचटर ने कुछ चूहों को पानी के जार में डाल के छोड़ दिया, ये देखने के लिए कि वो पानी में कितनी देर तक जिंदा रह पाते हैं। वो चूहे लगभग 15 मिनट तक तैरते रहे, अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष करते रहे, पर उसके बाद दम घुटने के कारण एक एक करके वो सारे चूहे मर गए। डॉक्टर कर्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को फिर से दोहराया। इस बार जब चूहों का दम घुट रहा था, वो संघर्ष कर रहे थे और मरने ही वाले थे, ठीक उसी समय उनको पानी से बाहर निकाल लिया गया। उन चूहों के शरीर के पानी को अच्छे से पोंछा गया और उनको कुछ घंटे आराम करने के लिए छोड़ दिया गया। इसके बाद उन चूहों को फिर से पानी में डाला गया। आपको क्या लगता है इस बार वो कितनी देर तक उस पानी में जिंदा रह पाए होंगे? पिछली बार वो 15 मिनट तक जिंदा थे, इस बार वो कितनी देर तक स्ट्रगल कर पाए होंगे? आप ये याद रखिएगा कि कुछ घंटे पहले ही वो 15 मिनट तक अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष किए थे और वो जीते भी थे। उनकी जान बची थी क्योंकि रिसर्चर्स ने उन्हें मरने से पहले ही बाहर निकाल लिया था। इस बार वो कितनी देर तक संघर्ष कर पाए होंगे? 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट या सिर्फ 2 मिनट? आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस बार लगभग 40 से 60 घंटे तक वो चूहे तैरते रहे, स्ट्रगल करते रहे और जिंदा रहे। जरा सोचिए, पहली बार में चूहों ने सिर्फ 15 मिनट में हार मान ली थी, वहीं दूसरी बार वो 60 घंटों तक तैरते रहे, स्ट्रगल करते रहे और अपने आप को बचा के रखा। 15 मिनट और 60 घंटा, इसमें बहुत ज्यादा अंतर है। जब चूहों को पहली बार पानी में डाला गया था और वो स्ट्रगल कर रहे थे तब उनको बचा लिया गया था, इसलिए चूहों को ये भरोसा था कि दूसरी बार भी उन्हें बचा लिया जाएगा और इस भरोसे में वो 60 घंटे तक सर्वाइव कर पाए। तो क्या जब पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें 15 मिनट के बाद चूहे मर गए थे, उनके अंदर कैपेबिलिटीज नहीं थी 60 घंटे तक सर्वाइव करने की? कैपेबिलिटी थी, लेकिन उनको अपने ऊपर भरोसा या बिलीफ नहीं था, इसलिए पहले एक्सपेरिमेंट में जिन चूहों की हार हुई वो फिजिकल से ज्यादा साइकोलॉजिकल थी। अगर मेंटली उनको पता होता कि उनको बचा लिया जाएगा तो सिर्फ 15 मिनट में वो हार नहीं मानते और 60 घंटे तक जिंदा रहते। इस एक्सपेरिमेंट का निष्कर्ष ये था कि बहुत सारे जानवर और इंसान जिस चीज की वजह से बहुत जल्दी हार मान लेते हैं वो है निराशा, लाचारी, नकारात्मक विचार, आशाहीनता या होपलेसनेस। जैसे ही हम उम्मीद छोड़ते हैं हम अंदर से हार जाते हैं और अपने सपनों को वहीं खत्म कर देते हैं। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि आप किसी काम को नहीं कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, पर अगर आपका बिलीफ सिस्टम ये कहता है कि आप कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली उसको कर पाएंगे और विषम परिस्थितियों में भी कर पाएंगे। आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं और आपके आसपास जो नेगेटिव बातें चलती रहती है जो आपसे बार बार कहती है कि आप नहीं कर पाएंगे, अगर आप इसे सुनते हैं और इस पर विश्वास करते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। पर अगर आप अपने आप को एक विनर के रूप में देखते हैं और बिलीव करते हैं कि आप कर पाएंगे तो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। हो सकता है आपको दूसरों की तुलना में थोड़ा ज्यादा समय लगे, हो सकता है आपको मेहनत ज्यादा करनी हो सकता है आपके चैलेंजेस दूसरों से बहुत ज्यादा हो, पर अगर आप खुद पे भरोसा करते हैं और लगातार कड़ी मेहनत करते हैं तो आपका कोई भी गोल हो आप अपने जीवन में जरूर सफल होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और समझने वाली बात है। जरा सोचिए कि अगर थके हुए और 15 मिनट में हार मान लेने वाले चूहे उम्मीद और विश्वास के बल पे 60 घंटे तक तैर सकते हैं तो आप अपने जीवन में इतना कुछ कर सकते हैं जो आप अभी सोच भी नहीं सकते। आपका खुद पे भरोसा आपको एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बना सकता है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिला सकता है, गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन करवा सकता है, आपको एक सफल इंसान बना सकता है और आपको वो हर चीज दिला सकता है जो आपको चाहिए।
आप ये हमेशा याद रखें कि आपके अंदर अनलिमिटेड पावर, पोटेंशियल और क्षमता है। आपको किसी भी हालत में होप या उम्मीद नहीं छोड़नी है। आपका आत्मविश्वास और खुद पे किया हुआ भरोसा आपको जीवन में आगे ले जाएगा और एक दिन आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाएगा जहां आप खुद को देखना चाहते हैं।